वेलकम स्नेहा किचन। आज हम बनाएंगे गार्लिक फुदीना कोथमीर पकोड़ा। इसके लिए हमें चाहिए ऑयल, बेसन, फुदीना, कोथमीर, ग्रीन मिर्ची बारीक कटी हुई, लहसुन की चटनी, बेकिंग सोडा और नमक। अब हम उसके लिए पहले एक बाउल में बेसन डालेंगे। फिर हम उसमें पुदीना डालेंगे। फिर कोथमीर डालेंगे। दोनों हमने अच्छे से छोटी छोटी कट किए हुए हैं। फिर हम उसमें छोटे छोटे कट किए हुए मिर्ची डालेंगे। फिर उसके अंदर लहसुन की चटनी डालेंगे। और स्वाद के अनुसार हम उसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम उसको अच्छे से मिला लेंगे। ये बैटर बनाने के लिए हमें 1/4 कप जितना पानी लगा है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा कम चाहिए तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। हमारा बैटर अभी ऐसा दिखेगा। अब अच्छे से मिला लेने के बाद हम उसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। देखिए अब हम उसमें बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। ये डालने से हमारा बैटर थोड़ा फ्लफी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ऐसी कंसिस्टेंसी में हमारा बैटर रहना चाहिए। अब हम अच्छे से तेल गरम कर लेंगे और उसमें ये पकोड़े तलने के लिए डाल देंगे। अब हमारे पकोड़े निकालने के लिए थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से बने हैं ये। ये थोड़े से ब्राउन और गुलाबी जैसे दिखने लगे तब हम उसे निकाल लेंगे। ये देख के ही कितने चटपटे और स्वादिष्ट दिख रहे हैं। अब हम उसको सर्व करेंगे। उसको हम तली हुई मिर्ची और टोमेटो केचप के साथ अच्छे से मजा ले सकते हैं खाने का। ये बहुत ही हॉट और स्पाइसी है खाने के लिए। तो आप भी इसका मजा लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए।